वेरी गुड मॉर्निंग माई ब्यूटीफुल फ्रेंड्स. देखिए फ्रूट्स ले आए हैं, ये एप्पल्स, ग्रेप्स, चीकू. थोड़ा सा टेंडर है, अभी टाइम लगेगा. एंड दिस आर द ब्यूटीफुल स्ट्रॉबेरीज. एंड गाइज दिस आर चिप्स, ब्लू, रेड एंड ऑल. एंड दिस आर द बंस गाइज. यस, एंड ब्रेकफास्ट में वही थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी और लेज एंड ग्रेप्स विथ चाय एंड दैट बन. सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेकफास्ट गाइज. एंड ये बन बहुत ज़्यादा फ्रेश एंड टेस्टी लगता है चाय के साथ ऑफकोर्स. एंड गाइज ये थोड़ा सा हम लोग मिड यू नो चाउमिन बना लिए थे ब्रेकफास्ट में. एंड इवनिंग स्नैक्स में गाइज ये था पनीर चिल्ली एंड दिस इज़ द बन जिसमें स्वीट कॉर्न ढेर सारा था. इट वॉज़ वेरी अमेजिंग गाइज. एंड ये दिस इज द मावा जलेबी. तो गाइज मैं लंच का पूरा लास्ट में दिखाऊंगी बिकॉज उसमें एक ट्विस्ट है गाइज. तो यस, एंड दिस इज अ सरप्राइज गाइज. तो प्रपोज डे का था तो यस. एंड गाइज एक्चुअली थोड़ा सा जल गया था मेरा लंच में, मंचूरियन थोड़ा सा जल गया था इसलिए मैं आपको शेयर नहीं कर रही थी. दिस इज मावा जलेबी गाइज. एंड यस दिस इज इट. ये पनीर चिली बहुत अमेजिंग था स्वीट कॉर्न के साथ गाइज. सीरियसली इट इज़ वेरी अमेजिंग. एंड यस दिस इज़ ऑल अबाउट द फूड. एंड गाइज मैं जो मंचूरियन बनाई थी थोड़ा सा उसमें ऑयल लग गया था तो इसीलिए थोड़ा सा जल गया था गाइज. एंड अबाउट द इवनिंग स्नैक्स, दिस इज द सैंडविच, पनेपल, शिमला मिर्च, ऑनियंस. एंड यस गाइज उसको थोड़ा सा मायनीज में शॉर्टे कर ली हूँ, टॉस करके उसको सिंपल प्लेन विदाउट बेकिंग इट जस्ट उसको अच्छे से बना दी हूँ गाइज. इट वॉज रियली अमेजिंग. सिंपल ब्रेड के साथ आप कर सकते हो, अच्छे से वो मतलब बाइंड हो जाता है. इट्स अमेजिंग टेस्टी टैंगी गाइज. एंड दिस इज द डिज़ास्टर आई मेड गाइज. चावल है, दाल मूंग का दाल है, गोभी आलू और ये बैंगन आलू का भरता और ये मंचूरियन मेरा जल गया था गाइज. चावल सी गाइज बहुत टेस्टी था. बाय गाइज, टेक केयर. सो गाइज आज मैं मंचूरियन बना रही हूँ गाइज. मंचूरियन में पत्ता गोभी को अच्छे से काट ली हूँ, उसमें सॉल्ट दे के 15 मिनट उसको रख दी हूँ गाइज. उसके बाद मैं उसको अच्छे से जब ड्राई हो गया है तब कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच, फिर हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और मैदा थोड़ा सा लेके हम लोग उसको अच्छे से एक पेस्ट बना देंगे. पानी नहीं ऐड करना है, ऐसे ऐसे गोल गोल ऐसे हम लोग बाइंड करके उसको ऑयल में फ्राई होने देंगे गाइस. अच्छे से मीडियम फ्लेम में ब्राउन होने देंगे गाइस. एंड फिर सॉसेस के लिए हम लोग ये प्रिपरेशन भी कर रहे हैं गाइस. अभी मैं ऑयल में ली हूँ कुछ ऑनियंस, जीरा एंड उसमें ऐड कर देंगे ग्रीन चिली सॉस, चिंग का ग्रीन चिली सॉस, चिंग का चिली विनेगर. देन दिस इज सोया सॉस एंड दिस इज रेड चिली सॉस गाइस. यस दिस इज इट. और थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर लिए हैं, उसमें पानी ऐड करके डाल देंगे गाइस. तो इसका प्रिपरेशन अभी शुरू करेंगे. जैसे ही गोल्डन ब्राउन होकर फ्राई हो जाएगा हम लोग फ्लेम, ये सॉस बन जाएगा तब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर लेंगे एंड देन हम लोग ऐड कर लेंगे मंचूरियन ताकि थोड़ा सा क्रंची रहेगा इस. तो गाइस देखिए ये गोल गोल करके ऐसे और एक मतलब एक टायर मेरा बन चुका था, वो स्टार्टर में से खा लिए थे और ये सेकेंड टायर गाइस जो कि मेरा सच में जल गया था एक्चुअली. अच्छे से बनाई थी, वो बाइंड भी हो गया था, एकदम से क्रिस्पी क्रंची हो गया था. बट ये इसमें हम लोग जो खा लिए थे उसका तो मैं फ़ोटो वीडियो नहीं क्लिक कर पाई और ढेर सारा बना दी थी. और ये वाला थोड़ा सा मतलब शायद ऑयल कम हो गया या फिर आई डोंट नो, मतलब मैं टर्न नहीं कर पाई थी उसको. मेरे को लगा कि हाँ हो रहा है बट वो सॉस भी मैं साइमल्टेनियसली दूसरे वाले में बर्नर में बना रही थी गाइस इसीलिए मैं भूल गई. और उसमें नीचे साइड से पूरा एकदम से मतलब ज़्यादा जला नहीं बट ये थोड़ा सा हो गया था, मतलब ब्राउनिश जैसा हो गया था. तो इसीलिए मैं दोनों तरफ नहीं की, थोड़ा सा क्रंची रखी और थोड़ा सा ऐसे बर्नड वाला फील हो गया. सो गाइस बट एकदम उसका मतलब जो कंसिस्टेंसी परफेक्टली बना था. एंड कैबेज को ऐसे ग्रेट करके सॉल्ट लेके और यस गाइस दिस इज़ अनदर रेसिपी फूड. दिस इज़ आलू और बैंगन का भरता, वो फूल गोभी और आलू का सूखी सब्ज़ी था जो मेरे हस्बैंड बना लिए थे. और ये मूंग का दाल
प्रेशर कुकर में है गाइस, और चावल तो बन गया था। एंड थोड़ा सा बाहर का व्यू मैं दिखा दे रही हूँ, ये जो रोज़ प्लांटेशन में करूँगी आपको शेयर करूँगी अलग वीडियो में गाइस। और ये सारा कपड़ा आज मैं साफ़ की थी, ऑलमोस्ट सूख गया है गाइस। ये नीचे देखिए गाइस, फ्लावर कितना सुंदर हो गया है, डेली रोज़ और डालिया होता है इधर। यस गाइस, दिस इज़ इट। सो वो रोज़ का जो भी है मैं आपको अलग से दिखाऊंगी आज वीडियो में। एंड यस गाइस, ये मैं आज रूम भी क्लीन की, ये जो मेरे को रोज़ मिला था ना गाइस, उसको वेस्ट नहीं करूँगी, उसका ही मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी गाइस। यस दिस इज़ इट। देखिए गाइस, मेरे हस्बैंड बना रहे हैं फूल गोभी और आलू, कितना जल्दी बना देते पता नहीं, अच्छे से बन भी जाता है। और यस आई एम स्ट्रगलिंग विद दिस थिंग्स गाइस, एंड दैट इज़ इट। देखिए उनका बन गया है, चॉपिंग ओपिंग करके रेडी, पूरा सब कुछ कर लिए हैं। एंड मैं उसको बैंगन और आलू भरता बैंगन और आलू का चोखा बनाऊंगी। एंड मैं इतना स्लो करती हूँ, मेरे को 2-3 घंटा जैसा लग जाता है एक एक करके। ये तो फट से आए और बना दी गाइस, देखिए मेरा ये जल गया था फूल गोभी और ये आलू बैंगन चोखा। बाय गाइस।